सो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने बात कर ही लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो वो किसी भी कंपाउंड का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। सो लास्ट जो है हमने पढ़ा बीटा ऑक्सीडेशन, विच इज अ डिग्रेडेटिव डिस्ट्रक्टिव डिग्रेडेशन प्रोसेस, वो हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एंड जो हमारा फैटी एसिड है उसका सिंथेसिस हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। बेसिकली हम फैटी एसिड को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैट, राइट। फैट क्या है, फैट और लिपिड दे आर ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स। तो एक हमारे पास में तीन फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स है एंड दे आर गेट कंडेंस्ड विद ईदर विद ग्लिसरॉल और एनी अदर अल्कोहल एज पर द मॉलिक्यूल और एज पर द लिपिड मॉलिक्यूल विच इज बीइंग सिंथेसाइज। सो यानी कि हमें लिपिड को फॉर्म करने के लिए, फैट को फॉर्म करने के लिए फैटी एसिड को, फैटी एसिड हमारे पास में चाहिए। तो वो स्टेप्स हम इसके अंदर देख रहे हैं। सो बेसिकली दीज फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। तो द यू नो रॉ मटेरियल्स ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट द साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज साइटोप्लाज्म। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो नहीं हो रहा। So it is present in many tissue like written in red and acetyl coenzyme A is the immediate substrate. Ab dekhiye acetyl coenzyme A not only in the fatty acid synthesis but in the respiration and in the you know photosynthesis it is an central metabolic molecule. So acetyl coenzyme A un compounds mein se hai jo ki सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को चलाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। एंड दीज आर द को फैक्टर्स NADPH, ATP, MN, बायोटीन एंड कार्बोनेट। बेसिकली दिस कार्बोनेट इज द सोर्स ऑफ CO2। कार्बोनेट जो हमारा फैटी एसिड के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में जो चेन लॉन्ग हो रहा है, चेन का इलोंगेशन हो रहा है, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में आता है। और कार्बोनेट कौन फॉर्म कर रहा है, कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है सेल का जो CO2 है उसके उसके वजह से। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। नाउ सी इन योर यू नो राइट, इट इज एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल ओनली एंड द लोकेशन सेग्रीगेट सिंथेटिक प्रोसेस फ्रॉम द डिग्रेडिव रिएक्शन। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड अदर रिएक्शन। तो ये एक तरीके के कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि सिंथेसिस के अंदर डिग्रेडेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो एंड टू इंश्योर दिस जो एंजाइम्स है उनका लोकेशन अलग अलग होता है। तो अगर FAS विच इज फैटी एसिड सिंथेटेज अगर वो साइटोसोल में ही पाया जा रहा है तो इट इंश्योर्स कि फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ पर हो, केवल साइटोसोल के अंदर ही हो। सो दिस यू नो पिक्चर इज डिपिक्टिंग जो मेन रिएक्शंस प्रोसेसेस हो रहा है, लाइक साइटोसोल के अंदर हो रहा है NADPH प्रोडक्शन, राइट, आइसोप्रिनोइड, स्टीरॉइड, फैटी एसिड सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑल द यू नो एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोसेसेस दे आर अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन, एसिटाइल कोएंजाइम प्रोडक्शन हुज द मेन सोर्स इज क्रैब्स साइकिल, कीटोन बॉडी हो गया, ER हो गया, यहां भी फैटी एसिड का इलोंगेशन एंड मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, नाउ दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए का सोर्स क्या है और उसका फेट क्या है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब बन किस किस से रहा है, पाइरुवेट से बन रहा है। अब पाइरुवेट कहाँ कहाँ पे है, पाइरुवेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस में है, पाइरुवेट हमारा क्रैब्स साइकिल के अंदर है, अमाइनो एसिड से बन रहा है, फैटी एसिड से बन रहा है। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे जा सकता है, TCA में जा सकता है, कीटोन बॉडी में जा सकता है, स्टीरॉइड्स फैटी एसिड में जा सकता है। ठीक है, सो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल अमंग दोज मॉलिक्यूल्स, ये भी एक मॉलिक्यूल है जो कि सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द फैटी एसिड सिंथेसिस। नाउ दिस इज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम।
Now, when we say that the site of fatty acid synthesis cytosol and acetyl coenzyme produce in mitochondria ke andar, so first of all it has to move from mitochondria to cytosol. ठीक है, so because this synthesis require considerable amount of acetyl coenzyme, basically जो chain elongation हो रहा है वो acetyl coenzyme का वजह से ही हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको acetyl coenzyme चाहिए and it has to be migrate from mitochondria to cytosol. Okay, now what is the driven force? What is the driven force behind? What is the driven force behind acetyl coenzyme कि वो उसको migrate कर दे? So basically जो citrate shuttle है, the first line अगर आप देखेंगे कि it is shuttled out of mitochondria as citrate. तो जो citrate shuttle है या citrate को ट्रांसपोर्ट करने का जो शटल काम करता है उसकी वजह से एसीटेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का इन एंड आउट मूव कर सकता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो एसीटाइल कोएंजाइम के लिए इम्परमिएबल है. तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस एसीटेट हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू सिट्रेट, देन ओनली via citrate shuttle वो बाहर निकल सकता है. So what happens? First of all that this acetyl coenzyme में third line पढ़ रही हूँ मैं उसको देखिएगा. Acetyl coenzyme में first react with the oxaloacetic acid. ठीक है, now acetyl coenzyme में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है. Oxaloacetic acid में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है. So this OAA it get condensed with acetyl coenzyme में and 6 कार्बन वाला citrate form करता है. ठीक है, एंड द रिएक्शन सिंथेसाइज बाय द सिट्रेट सिंथेसिस एंड इट इज अ वेरी वेल नोन स्टेप, वेरी मच क्रेब्स साइकिल का स्टेप है. देन व्हाट हैपेंस, द सिट्रेट देन पासेस इनटू साइटोसोल थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑन द सिट्रेट ट्रांसपोर्टर. ठीक है, नाउ द सेम थिंग दिस डायग्राम इज शोइंग कि यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर हमारा दिस येलो में शो हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में एंड इट गेट कंडेंस विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. मैट्रिक्स की तरफ के रिएक्शंस देखिएगा, सो येलो में जो एसिटाइल कोएंजाइम है गेट कंडेंस विद ओएए एंड इन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द सिट्रेट सिंथेसिस एंड इट फॉर्म द 6 कार्बन सिट्रेट एंड द सिट्रेट ट्रांसपोर्टर व्हिच इज सिचुएटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड वाया द सिट्रेट ट्रांसपोर्टर इट इज ट्रांसपोर्टेड माइग्रेटेड इन द साइटोसोल इन द फॉर्म ऑफ सिट्रेट. यहाँ आने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट लाइज, अब मैं साइटोसोल वाले रिएक्शंस को डिपेक्ट कर रही हूँ आपको. इन द प्रेजेंट ऑफ सिट्रेट लाइज अगेन जो सिट्रेट है वो उसका लाइसिस हो जाता है एंड इट विल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. नाउ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अगेन फर्दर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है. नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ कि ओएए का क्या हो रहा है, बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर चला जाता है. यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, नाउ व्हाट आर द एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. सो सबसे जो मेन एंजाइम है मल्टीमेरिक एंजाइम, जो मल्टी एंजाइम है वो दो है. फर्स्ट इज द एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस. नाउ स्टूडेंट्स यू नीड टू लर्न memorize the these two names because जो पूरा story है वो इनका इर्द गिर्द ही घूमता है. And as far as the exam is concerned, individual enzyme को लेकर के भी question आपके NET में या आपके academic exam के अंदर आ सकते हैं. So you should be well aware of both of these enzymes. So दो कौन से enzyme हो गए? Acetyl coenzyme carboxylase and fatty acid synthetase. ठीक है, and both all these two enzymes are multimeric complexes, यानी कि एक enzyme एक ही monomeric unit नहीं है, multimeric unit है. And the other coenzyme and cofactors are biotin, NADPH, MN plus 2, MG plus 2. Now moving to the details of enzyme, कि acetyl जो first enzyme है हमारा acetyl coenzyme carboxylase. Now this is a very important enzyme because it is the initial enzyme
और इट कैटेलाइजेस द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द फैटी एसिड सिंथेटेस एंड दैट इज व्हाई इट इज द यू नो रेट लिमिटिंग और द कंट्रोलिंग स्टेप इन द फैटी एसिड सिंथेसिस. अब अगर अगेन बिकॉज आई हैव सेड दैट दिस इज मल्टीमेरिक मल्टी एंजाइम, सो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है, बायोटिन है, बायोटिन कार्बोक्सिलेज है, बायोटिन कार्बोक्सिल करियर प्रोटीन है, ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंड रेगुलेटरी एलोस्टेरिक साइट एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए. देखिए बच्चे, जब भी मल्टी एंजाइम का बात होता है तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इन द ड्यू कोर्स अलग अलग एंजाइम जो कि एक ही प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो साथ में आ गए और उसके बाद में उनका जो है जेनेटिक लेवल पर, जीन लेवल पर जो मॉडिफिकेशंस है, कुछ म्यूटेशंस हुए, कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जिनकी वजह से एक ही प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है उनका एक ग्रुप बन गया और जिनको हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द एंजाइम के साथ में ऐसा ही है कि लेटर ऑन जो है जीन लेवल पर कुछ चेंजेस हुए और अब उसके बाद में जो जीन है पर्टिकुलर एंजाइम का वो ऐसा ही यू नो मैनिफेस्टेशन उसका हो रहा है कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द डिफरेंट कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज उस एंजाइम को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ दिस फिगर इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ यू नो द एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज. अब यहाँ पर हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट कैटेलिटिक एक्टिविटी है एंड व्हेन आई एम सेइंग टू कैटेलिटिक एक्टिविटीज दैट मींस कि वो दो कैटेलिटिक डोमेन है एंजाइम की जो कि दो अलग अलग रिएक्शंस को कैटेलाइज कर रहे हैं. नाउ सी एट द राइट साइड कि ये दो एक्टिविटी कौन से हैं, द बायोटिन कार्बोक्सिलेज एंड ट्रांस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये क्या कर रहा है, इट हैज अ बायोटिन कार्बोक्सिलेज जो कि बायोटिन को कार्बोक्सिलेट करता है. ठीक है, सो ये जो दो एक्टिविटी है ब्लू के अंदर जो फिगर में शो हो रहा है इट इज अ ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंड जो व्हाइट में शो हो रहा है इट इज बायोटिन कार्बोक्सिलेज. ठीक है, तो हो क्या रहा है, द बायोटिन करियर प्रोटीन रोटेट टू मूव द कार्बोक्सी बायोटिन इनटू द ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन. बेसिकली जो बायोटिन को फैक्टर है हमारा वहां से दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटिक ग्रुप है ये दिस ग्रुप जो है वो यहाँ पर आकर के बायोटिन पर बाइंड हो रहा है, दिस बायोटिन करियर प्रोटीन. ठीक है, इसको कार्बोक्सिलेज करने का काम कौन कर रहा है, दिस बायोटिन कार्बोक्सिलेज डोमेन जो है एंजाइम का वो इसको कार्बोक्सिलेट करने का काम कर रहा है. अभी एक चीज और करता है, आप जो देखेंगे बायोटिन करियर प्रोटीन रोटेट टू मूव द कार्बोक्सी बायोटिन इनटू द ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन. बेसिकली जो बायोटिन करियर प्रोटीन है इसको ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन की तरफ ओरियंट कर देता है कि अब ट्रांस कार्बोक्सिलेज डोमेन फर्दर जो ट्रांस यू नो कार्बोक्सिलेशन है उसको कैटेलाइज कर सके. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, जो नीचे वाला डायग्राम है उसको देखिए, जहां पर बायोटिन कंटेनिंग द कार्बोक्सिलेज ग्रुप यहां पर क्या हो रहा है, जो मेलोनाइल कोएंजाइम है ये फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो यानी क्या हो रहा है, ट्रांस कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेट एसिटाइल कोएंजाइम ए टू जनरेट मेलोनाइल कोएंजाइम ए एज एन असेंशियल मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल फैटी एसिड. ठीक है, अब एक चीज हमारे बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो ये CO2 आया है इसका सोर्स है कार्बोनेट. ठीक है, एंड ये कार्बोनेट कहाँ जाके बाइंड हो रहा है, ये कार्बोनेट बाइंड हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए पर. ठीक है, दो कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द कार्बोक्सिलेशन ऑफ दिस कार्बोनेट तीन कार्बन वाले मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप बहुत क्लियरली नीचे वाले फिगर में देख रहे हो, द टू कार्बन विच आर शोइंग इन पर्पल दे यू नो ट्रेस बैक फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड दिस कार्बोनेट ग्रुप विच इज यू नो शोइंग इन द येलो कलर ग्रीनिश कलर दिस इज ट्रेस बैक फ्रॉम द कार्बोनेट. सो यहाँ पर दिस स्टेप इज वेरी क्रूशल एंड दिस स्टेप इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन द यू नो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, नाउ डिटेल्स ऑफ एंजाइम, हमारा सेकेंड एंजाइम विच इज फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, अगेन इट्स अ यू नो मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स हैविंग द सेवन डिफरेंट एंजाइमेटिक और कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज. अब जो फैटी एसिड सिंथेस है
इसके अंदर क्या है, सेवन अलग अलग कैटेलिटिक डोमेन है, सेवन अलग अलग ऑर्गन, सेवन अलग अलग डिफरेंट कैटेलिटिक डोमेन्स है, वो सेवन डिफरेंट काइंड का कैटेलिटिक एक्टिविटी को कैटेलाइज कर रहा है, ठीक है। नाउ वी सी द वेरियस यू नो डाइवर्सिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इन प्लांट्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन बैक्टीरिया एंड इन यू नो एनिमल्स, मैमल सेल्स। सो इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स द इंडिविजुअल एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस आर सेपरेट, ठीक है, एंड द एसएल रेडिकल आर फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद अ प्रोटीन कॉल्ड एसीपी और विच इज स्टैंड्स फॉर एसआई करियर प्रोटीन। सो एज आई सेड टोल्ड यू अर्लियर दैट एवोल्यूशनरी ट्रेंड है कि जो रिएक्शन के अंदर बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व है, लेटर एवोल्यूशन के अंदर एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए वो यू नो एक ही प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व एंजाइम जो है वो कहीं ना कहीं इन द ड्यू कोर्स ऑफ पास्ट वो कंबाइन हो गए, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है एंड इवन इन प्लांट्स एज वेल जो इंडिविजुअल एंजाइम है एफएएस के वो सेपरेट है और एसीपी के साथ में जुड़े हुए हैं। बट इन ईस्ट नाउ सी अगेन द डाइवर्सिटी इन ईस्ट मैमल्स बर्ड्स द सिंथेस सिस्टम इज अ मल्टी एंजाइम पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स दैट इनकॉर्पोरेट एसीपी एंड दैट टेक रोल ऑफ कोएंजाइम ए। Now what is happening in ये जो दो स्टेटमेंट हमने दिया हमने समझा इससे क्या मीनिंग है, इससे मीनिंग है कि बैक्टीरिया और प्लांट्स के अंदर जो FAS है उसका छह अलग अलग कैटेलिटिक डोमेन जो है वो they are separated and they you know they remain in contact with the ACP, whereas in case of yeast mammals birds and higher and you know higher animal cells what is happening this synthase system is a multi enzyme कॉम्प्लेक्स जहां पर जो अलग अलग कैटेलिटिक डोमेन है वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएट हो गए हैं, ठीक है, ओके। सो अगर इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज देखें, अगर मैमल्स के अंदर देखा जाए या हायर यू नो एनिमल सेल्स में देखें, सो इट इज अ डाइमेरिक यूनिट कंप्राइजिंग टू आइडेंटिकल मोनोमर। अब ये जो दो यानी कि डाइमेरिक है यानी कि दो मोनोमर है आपस में जुड़े हुए हैं और एक डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, जो मोनोमर है वो भी अलग अलग कैटेलिटिक डोमेन से बने हुए हैं, ठीक है। सो दीज मोनोमर टू आइडेंटिकल मोनोमर फॉर्मिंग अ डाइमर एंड ईच मोनोमर इज कंटेनिंग ऑल सेवन एंजाइमेटिक एक्टिविटी और एंजाइम डोमेन ऑफ एफएएस ऑन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। आई थिंक एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। Now this is the second statement, second sentence is depicting the significance of this complexity. The use of one multi-enzyme functional unit has the advantages of achieving the effect of compartmentalization of the process within the cell without the erection of permeability barriers. Basically, जो process का efficiency है वो increase हो रहा है. And third sentence is also very important that synthesis of all enzymatic domain in the complex is coordinated since it is encoded by a single gene. So basically FAS jo ban raha hai, it is a product of single gene, but within the gene there are several you know different loci jo ki alag alag catalytic domain ko kya kar raha hai, manifest kar raha hai. Now this is the structure of FAS, theek hai. Now ye jo structure hai ye फैटी एसिड सिंथेटेज के डायमेरिक फॉर्म को नहीं शो कर रहा है, एक मोनोमेरिक यूनिट को शो कर रहा है। सो लाइक यू कैन सी जो ये सर्कल शेप दे रखा है, नाउ काउंट द एमटी केआर एचडी ईआर एटी केएस एंड द एसीपी। सो इस तरीके का ये तो एक मोनोमर है शोइंग द सेवन डिफरेंट कैटेलिटिक डोमेन्स, ठीक है, इस तरीके के दो मोनोमेरिक यूनिट एक फैटी एसिड सिंथेटेज के अंदर होते हैं, ठीक है, ये सबके नाम लिखे हैं। नाउ यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू लर्न दीज सेवन कैटेलिटिक डोमेन्स नेम, उनका आपको नाम याद करना पड़ेगा और किस कैटेलिटिक एक्टिविटी को वो कैटेलाइज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न द फैटी एसिड सिंथेसिस। अगेन दिस इज द अनदर यू नो structure, or not structure, this is another
प्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ यू नो और डिफरेंट कैटालिटिक डोमेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस. ओके अगेन ये जो तीन मैंने आपको जो ये डायग्राम दिखाए हैं, जब हम पूरा फैटी एसिड सिंथेसिस के जो मेन मेन स्टेप्स पढ़ लेंगे तो एक बार इस पर्टिकुलर डायग्राम को तो आप उसके बाद देखिएगा. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज यू नो सेवन स्टेप्स. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट FAS इज अ डायमेरिक प्रोटीन. सो यहाँ क्या हो रहा है, लाइक दिस सी जो ग्रीन है एंड जो हमारे ऑरेंज है येलो से शो हो रहे हैं. सो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पूरे हमारे कैटालिटिक डोमेन हो गए. एंड द सेम यू नो ग्रीन एंड दिस येलो जो कि हमारा सेकेंड मोनोमर है उसके साथ ही में, ठीक है. एंड जो एक है हमारा दिस इज थायोएस्ट्रेस जो रिलीजिंग एंजाइम लिखा है एट बोथ द साइड्स. थायोएस्ट्रेस क्या करता है, जब हमारा फैटी एसिड जो हमारा रिक्वायर्ड फैटी एसिड है वो बन गया है तो ये थायोएस्ट्रेस जो है उसको एंजाइम से रिलीज करने का काम करता है, ठीक है. सो दोज विच आर शोइंग इन ग्रीन दे आर कंडेंसिंग एंजाइम, दैट मीन्स दे आर involved in the chain elongation of the fatty acid synthetase. And those which are showing in orange or yellow, these are reducing enzymes. ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं एक तरीके से जो हमने beta oxidation पढ़ा उसका reversal होगा इसके अंदर, उन reactions को catalyze कर रहे हैं. Now moving to the steps of fatty acid synthesis. Steps of fatty acid synthesis, सबसे पहला step जिसके अंदर हमारा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ठीक है. सो द इनपुट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच इज कार्बोक्सिलेटेड टू मेलोनाइल कोएंजाइम ए एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज व्हिच इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं. सो दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्शन का जो पहला कंपाउंड है हमारा रॉ मटीरियल है. And with the enzyme biotin carrying the carbonate, ठीक है. Now this enzyme biotin carbonate complex ये क्या कर रहा है acetyl coenzyme A के अंदर, ये carbonate add कर रहा है forming it in the 3-carbon का malonyl coenzyme A, ठीक है. And enzyme biotin at the end of the reaction as such recover हो रहा है. Now this process is ATP dependent process. तो एक बार malonyl coenzyme A बन गया, ठीक है, उसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का एक्टिविटी खत्म हो गया है. एक बार मेलोनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होने के बाद में आगे का रिएक्शन जो है वो फैटी एसिड सिंथेटेज जो है वो कैटलाइज करता है. नाउ दीज आर द यू नो सेलियंट फीचर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम ए दैट इट इज अ एटीपी ड्रिवन एनर्जी प्रोसेस, ठीक है. CO2 इज लॉस्ट लेटर ड्यूरिंग कंडेंसेशन. The spontaneous decarboxylation drives the condensation reaction and carboxylation जो हो रहा है with the help of biotin and दो reaction में हो रहा है जो कि हम एक हमारे previous slide में पढ़ चुके हैं. First of all, carboxyl जो biotin है enzyme linked जो biotin है उसका carboxylation हो रहा है, ठीक है, with the use of ATP and then जो carboxyl group है वो biotin acetyl coenzyme में को transfer कर देता है, ठीक है, and form the malonyl coenzyme. Now this is the jo biotin kis tarike se involved hai carboxylation ke andar ye slide wo show kar raha hai, ek bar aap dekh lijiyega, main ise bahut zyada discuss nahi kar rahi. Okay, now this is the formation of malonyl coenzyme jo maine abhi aapko bola, same cheez wahi show ho rahi hai, the enzyme biotin, theek hai, carbonate with the help of ATP, the enzyme biotin carboxylate ho raha hai. एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर ये CO2 या कार्बोनेट ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फॉर्मिंग द मेलोनाइल कोएंजाइम ए. नाउ द असेंबली ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है. नाउ वंस मेलोनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसाइज, नाउ चार जो स्टेप का सीक्वेंस है अब जो हम आगे लेटर पढ़ेंगे उसके बाद में मेलोनाइल कोएंजाइम जो है वो 4 स्टेप्स के अंदर एंटर करता है.
रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एफएएस, ठीक है, जितनी भी बार एक साइकिल होगा यानी चार स्टेप का एक सीक्वेंस होगा, हर बार जो फैटी एसाइल चेन है वो दो कार्बन बढ़ जाएगी. द सेम विच अकर्स इन द बीटा ऑक्सीडेशन बाय इन विच द फैटी एसिड चेन वॉज यू नो लेसर बाय द टू कार्बन, और हर बार बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जो कार्बन चेन था हमारा, जो फैटी एसिड चेन था वो दो कार्बन छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द ईच यू नो स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट उल्टा है बीटा ऑक्सीडेशन का, कि जब भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, साइकिल क्या, चार स्टेप वाला सीक्वेंस पूरा हो रहा है, द फोर स्टेप सीक्वेंस विच इज फॉर्मिंग अ साइकिल. ठीक है, हर बार इस साइकिल के बाद में जो फैटी एसिड चेन है हमारा दो कार्बन बढ़ जाता है. एंड वेन द पामिटेट इज सिंथेसाइज, 16 कार्बन वाला पामिटेट सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस एसाइलेज, ये पामिटिक एसिड जो है वो फैटी एसिड सिंथेस को लीव कर देता है. नाउ नाउ फैटी एसिड सिंथेसिस जो एफएएस के साथ में जो होने वाला है, नाउ सबसे पहले जो रेड में लिखा है उसको देखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके क्या क्या है. ठीक है, द थायोल ऑफ द साइड चेन ऑफ द सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ केएस which is key to acyl synthase. This enzyme is also called the condensing enzyme. And the other thiol, other prosthetic group is thiol of phosphopentethine, which is attached to the ACP or the acyl carrier protein. Now students, please note that this phosphopentethine is equivalent in the structure and in the function like coenzyme A. Jo kaam ऑक्सीडेशन में कोएंजाइम ए करता है वही काम फॉस्फोपेंटेथीन फैटी एसिड सिंथेसिस में कर रहा है. नाउ ये जो बात है ये सेम चीज डिपिक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर यू नो डायग्राम के अंदर. एज आई सेड प्रोस्थेटिक ग्रुप है थायोल ग्रुप विच इज जो ये एचएसएचएस शो हो रहा है. यस, द टू एच एस आर शोइंग दीज आर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप थायोल ग्रुप्स. पहला तो एसीपी विच इज सेंटर मोस्ट जो एसीपी है विच इज असाइल करियर प्रोटीन, इस एसीपी के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉस्फोपेंटेथीन. फॉस्फोपेंटेथीन का जो थायोल ग्रुप है वो यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है. ठीक है, सिमिलरली द कीटो सिंथेटेस, ठीक है, इसका जो थायोल ग्रुप है सिस्टीन रेजिड्यू का वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है. ठीक है, अब ये जो अलग अलग यूनिट शो हो रहे हैं द के एस एम टी के आर एच डी ई आर ए टी, ठीक है, ये अलग अलग कैटलिटिक डोमेन है फैटी एसिड सिंथेटेज के. ठीक है, सो सेंटर के अंदर हमारा असाइल करियर प्रोटीन है. नाउ दिस इज द सेम, नाउ जो असाइल करियर प्रोटीन है यानी फॉस्फोपेंटेथीन से जुड़ा हुआ जो हमारा रेजिड्यू है इट इज फ्लेक्सिबल आर्म जो कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है. ठीक है, सो यहाँ क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो इन दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप से एक दूसरे को माइग्रेट होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोपेंटेथीन. अब आपको जब एफ ए एस आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, टिप्स पर आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोपेंटेथीन आया है तो ये क्या है. फॉस्फोपेंटेथीन है यानी यहाँ पर मेलोनाइल ग्रुप जो आकर के जुड़ेगा, कहाँ ये खुद कहाँ जुड़ा हुआ है, ये खुद एसीपी या एसाइल करियर प्रोटीन पे जुड़ा हुआ है. एसीपी क्या है, एसीपी कैटलिटिक डोमेन है फैटी एसिड सिंथेटेज का. ठीक है, इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, भाई जो सिस्टीन रेसिड्यू का जो थायोल ग्रुप है, सिस्टीन क्या है, सिस्टीन हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और सिस्टीन जो सिस्टीन का जो थायोल ग्रुप है, ठीक है, उस पर जाकर के जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है वो आकर के बाइंड होते हैं. ठीक है, सो दिस फॉस्फोपेंटेथीन ये जो लॉन्ग फ्लेक्सिबल आर्म है एसीपी का, ये थायोल जो है मूव करने में हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स को. दिस इज द सेम थिंग. ठीक है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोपेंटेथीन.
स्ट्रक्चर बच्चे अगर याद होता है बहुत अच्छा, याद नहीं होता है तो केवल अगर आप नेम लिखते हो तो दैट इज ओके, नो इश्यू। बट अगर स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं तो गलत मत लिखिएगा, अदरवाइज कीप इट शॉर्ट और उसका केवल नेम लिख दीजिए। ओके आज के लिए इतना ही, ठीक है? ठीक है, अभी तक हमने फैटी एसिड तो पढ़ना चालू ही नहीं किया है, अभी केवल हम फैटी एसिड सिंथेटेज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? अभी तक हमने जो साइकिल है उसके अंदर हमने एंटर नहीं किया है, ठीक है? जो यहाँ पर है फर्स्ट राउंड ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, इसमें एंटर करने के पहले आपको एंजाइम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो आज का होमवर्क केवल यही है कि अभी तक जितना पढ़ा दिया है आपको पूरा याद होना चाहिए, कौन कौन सा डोमेन है, क्या क्या काम कर रहा है, आप तो केवल इसका केवल नाम याद कर लीजिए। उसके बाद में जो फर्दर जो हमारे स्टेप्स हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के, वो याद करने में बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है?